रोड खत्म ही नहीं हो रही, हमारी ग्रीस खत्म हो गई है। मेरे पैसे गिर गए यार, पैसे खो के ना मुझे काली पड़ गई अभी ये पीले। हमारा कोई एड्रेस नहीं हम कहाँ पे, और ये देखो आगे कैसे डंगरू की तरह जा रहा है, इसको पता ही नहीं है सफर का। यार कुछ भी कहो, ये जगह बहुत खूबसूरत है। इधर देखो यार, रोड के किनारे कितनी खूबसूरत सी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दरहाल वाला व्लॉग्स। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है जहाँ पे हमने उस दिन वाला व्लॉग एंड किया था, जो आपने पिछला व्लॉग देखा था उससे पिछला व्लॉग जो था जोडाज वाला, यहाँ पे आके हमने एंड किया था और यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। हम उसी दिन नहीं ये व्लॉग शुरू कर रहे हैं, हम एक हफ्ता बाद आए हैं यहाँ पे फिर से। हम जाने वाले थे जोडाज लेकिन वहाँ का प्रोग्राम कैंसिल करा दिया, क्योंकि आज भी हम जा रहे हैं टोपा ज़ियारत में, उर्स है, उर्स शरीफ, तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो अभी से इसलिए शुरू किया क्योंकि अभी देखो कितना खूबसूरत है पीछे, आप देख सकते हैं पीछे भेड़ बकरियाँ भी चल रही हैं, तो मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने यहाँ से इंट्रो शूट किया। तो अब चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं। गाइज अभी हमने चढ़ाई चढ़ ली है, इतनी चढ़ाई थी ना इस बेचारे को अभी तक सांस फूली हुई है। मैं इससे ज़्यादा थका था क्योंकि मैं पहली बार वहाँ से चढ़ा था। ये रोज़ जाता है ये, तब भी इसको सांस फूल गई यार। मैंने बीच में 10-15 बार रेस्ट ली थी, ये एकदम जा रहा था सीधा ही। और अभी हम ऊपर पहुँच चुके हैं, अभी चलते हैं आगे, बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे, तो आप इंजॉय कीजिए। उस वक्त अभी हम चल ही रहे हैं वहाँ पे खड़े होकर, हमने एक रील बनाई है, फोटो नीचे बनाए थे, आप सभी को इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। मेरी आईडी यहाँ पे आ रही है, इसको फॉलो कर दो यार इंस्टा पे, इंस्टा पे बहुत कम फॉलोअर है मेरे, तो वहाँ पे फॉलो कर दो और वहाँ पे फोटो आएंगे। और देख लेना ये कौन है, हमारे गुलाम जिलानी साहब उर्फ रूफी चाचा। तो गाइज यहाँ पे हमारा टी पॉइंट, यहाँ से रोड जो आती है और ये उस साइड टोपा की तरफ जाती है और इस साइड डोडाज की तरफ जाती है। यहाँ हम फिर कभी चलेंगे लेकिन अभी हमने फिलहाल यहाँ पे जाना है टोपा की तरफ। और ये आप बोर्ड देख सक रहे हैं लग रहे हैं, और यहाँ पे हम जाएंगे टोपा की तरफ, और क्योंकि हमें टोपा ही जाना है ज़ियारत पे उर्स शरीफ पे, तो चलिए चलते हैं आप। तो गाइज इधर से एक शॉर्टकट जाता है वहाँ पे, लेकिन हम इधर से जाएंगे रोड की तरफ से क्योंकि हमने व्लॉग भी तो बनाना है। तो चलिए अब चलते हैं, ये भैंसे मेरे व्लॉग में आना चाहती हैं तो इनको मैं अपने व्लॉग में ले आता हूँ। चलो चलते हैं। गाइस सीन कुछ ऐसा है कि रोड ख़त्म ही नहीं हो रही, हमारी ग्रीस ख़त्म हो गई है। चल 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 के थक गए यार, रोड ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और चलो अब खूबसूरत सा सफ़र है, तो संडे को मिलता है टाइम व्लॉग बनाने का, तो सही से बनाते हैं। मुझे इस साइड मुड़ के बात करनी पड़ रही है क्योंकि जब मैं उधर मुड़ जाता हूँ फिर आवाज़ नहीं आती। देखो देखो मैं कितने दूर आया हूँ आपके लिए ब्लॉग बनाने के लिए, और मुझे क्या चाहिए, लाइक और सब्सक्राइब। मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। देखो मैं हफ्ते की एक वीडियो बनाता हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ज़्यादा वीडियोज़ बनाया करो, आप बिल्कुल कम वीडियोज़ बना रहे हो। मैं उनको कहता हूँ
कि 1K सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे तब आपको भर भर के व्लॉग मिलेंगे। मिनिमम एक हफ्ते में मिनिमम एक और मैक्सिमम 7 इतने व्लॉग्स आपको मिलेंगे हफ्ते में अगर आप 1K सब्सक्राइबर करा देते हो। तो जितना जल्दी कर सकते हो तो कर दो, कर देंगे। ठीक है, अब हम आगे मिलते हैं। गाइस अभी उधर हम जॉग करके आए हैं इसलिए हम हंस रहे थे। बहुत चल चल के हमने कितना चल लिया होगा, गज नहीं हो गया बेचारा, बोल भी नहीं रहा। बोलना कितना चल दिया हमने, कोई पता नहीं, कोई समझ नहीं आता कितना चल के आया। फट गई है इसकी चल चल के, कहां से समझ आएगी। तो गाइस जितने ऊपर हम चले गए थे उधर से 2-3 किलोमीटर दोबारा नीचे आए, इसका कोई समझ नहीं आपका आई होगी यार। इतने दूर से माया मेरे पैसे गिर गए यार, वो ढूंढने के लिए ऐसा नहीं मिले थे, मैं बहुत सैड हुई यार। मेरे पास वही बचे थे यार रिचार्ज कराने के लिए, अब मैं कौन से रिचार्ज करूंगा। ये भोसड़ी वाला मुझे हंस रहा है, ये नहीं ये मुझे हंस रहा है। मेरे जिंदगी में पैसे की कोई टेंशन नहीं है, पर एक मैं पर एक ना मिले। अमीर है ना तू, मैं गरीब बच्चा हूँ, मैं कहाँ से अमीर हूँ, हम एक क्लास में पढ़ते हैं ना। हाँ तो मैं कहाँ से अमीर हो गया यार, पैसे खो के ना मुझे काली पड़ गई अभी ये पीले। मेरी तो आज किस्मत ही खराब चल रही है। यार मेरी आज किस्मत बहुत खराब है, मैं इसके लिए वाटर लाया, मैंने रिचार्ज के लिए पैसे रखे। क्या करूं यार, अब रो तो सकता नहीं, ये पिया फिर भी काली नहीं मिट रही, जो पैसे घूमने की काली है ना वो नहीं मिटती यार। अभी चलते हैं ऊपर, आगे देखो यार कितना खूबसूरत नज़ारा दिखाता हूँ। गाइस इतना चल चल के ना मुझे लगता है कि अभी मंजिल आएगी, लेकिन मंजिल शायद रूठ गई है, बहुत दूर है यार, चल के नहीं आना चाहिए। इतनी गाड़ियां चली गई हैं, वो पहुंच भी गए होंगे, अभी तक हम पहुंचे भी नहीं हैं, दुआ भी हो गई है, हमारा कोई एड्रेस नहीं, हम कहां पे, मुझे तो पता ही नहीं हम कहां पे हैं यार। और ये देखो आगे कैसे डंगरू की तरह जा रहा है, इसको पता ही नहीं है सफ़र का। यार कुछ भी कहो ये जगह बहुत खूबसूरत है, इधर देखो यार रोड के किनारे कितनी खूबसूरत सी खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे। और ये हैं हमारे रूफी भाई, देख सकते हैं आप। और यार काफ़ी अच्छा ही लगता है यहाँ पे, मन को शांति मिलती है। गाइस ऐसे ऐसे मोड़ न जाने हम कितने चल के आए, कितने मुड़ चुके हैं, कितने आगे चल चुके हैं, कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अभी तक हम पहुंचे नहीं है। अब सीधा वहीं चल के ब्लॉग बनाएंगे। चलो गाइस ये पेड़ देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं साइड पे, और ये ऐसे लग रहे हैं जैसे जंगल है यार, घने घने। चलो अब ऊपर चलते हैं। और ये देखो अभी एक और मोड़ आ गया, कितने मोड़, मुझे तो गिनती भी नहीं हो रही कितने मोड़ हम मुड़ चुके हैं और कितना आगे आ चुके हैं। ये ट्रैकिंग इनटू 10 हो गया यार, रास्ता मुक ही नहीं रहा, ऐसे चल नहीं जा रहे हैं। बच्चे बोल रहे हैं मुझे अंकल। अभी इधर से लड़के जा रहे थे, इसको बोलते हैं अंकल रास्ता इधर ही जाना। अंकल की शक्ल देखो एक बार अंकल। हाशिम मुझे पहले से चाचा बोलता था। मैं तो इसको पहले से वैसे ही चाचा बोलता हूँ ना, वो इसे बोलते अंकल।
गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं सामने आया ज़ियारत और अभी हम चलने वाले हैं ऊपर। मैंने सोचा आपको यहाँ से बता देता हूँ बहुत चल चल के। और यहाँ पे इस साइड का व्यू आप देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है, बहुत खूबसूरत सी जगह। अभी हम इससे आगे जाएंगे लेकिन उर्स शरीफ के बाद। तो चलिए आप अंदर चलते हैं।